दोस्तों अगर आप भी शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान को अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से हराकर मैन ऑफ द मैच बने शाहबाज अहमद, लेकिन अवार्ड लेने से ही किया इनकार। अभिषेक शर्मा के हाथों में अवार्ड थमा, जो कहा वो सुनकर आप भी करोगे सलाम। तो दोस्तों आखिर शाहबाज अहमद ने अपना अवार्ड क्यों अभिषेक शर्मा को दिया और ऐसा क्या कह दिया उनके बारे में भी आप भी खड़े होकर सलाम करने पे मजबूर हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि हैदराबाद और राजस्थान के बीच आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला एमएच चिदम्बरम स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने मात्र 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए थे, जो कि इस मैदान पर काफी छोटा टोटल था। अब दोस्तों यहां से मैच जीतना हैदराबाद के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि यहां पर हैदराबाद के लिए बस हेनरिक क्लासेन ने 50 रन की पारी खेली, बाकी राहुल त्रिपाठी ने 15 गेंदों में 37 रन बनाए और ट्रेविस हेड के बल्ले से भी 34 रन निकले थे। लेकिन आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट ने 3-3 विकेट लेकर पूरा दबाव हैदराबाद के ऊपर बनाकर रखा। अब दोस्तों जब राजस्थान की बल्लेबाजी आई तो उन्हें इस बात का तो अंदाजा था कि इस मैदान पर बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों को मदद मिल रही है, और इसी का ध्यान रखते हुए शुरुआत में तो यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सभी के पसीने छुटा कर रख दिए। लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल 42 रन बनाकर आउट हुए, यहां पर पूरी राजस्थान की पारी कोलैप्स होती हुई नजर आई। इस बीच टॉम कूलर कैडमोर 10 रन, संजू सैमसन के बल्ले से भी 10 रन निकले तो रियान पराग 6, रविचंद्रन अश्विन 0, शिमरन हेटमायर 4 और रोमन पोवेल ने 6 रन बनाए। लेकिन ध्रुव जुरेल अंत तक टिके रहे, जिन्होंने अर्धशतक जड़ते हुए 56 रन भले बनाए, लेकिन दोस्तों अपनी टीम को वो ये मुकाबला जिताने में कामयाब हो नहीं पाए। और आप यह सोच रहे होंगे कि जो राजस्थान की पारी कोलैप्स हुई थी वो करने का काम किसने किया? वो हैदराबाद की तरफ से शाहबाज अहमद ने किया। दरअसल दोस्तों शाहबाज अहमद ने सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को 42 रन पर चलता किया था और वो एक विकेट गिर जाने के बाद कप्तान पैट कमिंग्स ने फिर पूरा स्पेल स्पिन गेंदबाजों से करवाया। फिर अभिषेक शर्मा ने संजू सैमसन को आउट किया तो रियान पराग 6 रन बनाकर शाहबाज अहमद का शिकार बने और शाहबाज अहमद ने जहां 3 विकेट हासिल किए और इस मुकाबले में उन्होंने अपनी हारती हुई टीम की वापसी करवाई। अब दोस्तों शाहबाज अहमद को इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के इनाम से भी नवाजा गया, लेकिन दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनने के बाद उन्होंने यह अवार्ड लेने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने खुद पास जाकर अभिषेक शर्मा को अवार्ड दिया और फिर जो उनके लिए कहा वो सुनने के बाद आप भी सलाम करोगे। जी हां दोस्तों, यहां पर शाहबाज अहमद कहते हैं कि देखिए कोई भी टीम जब जीतती है तो उसे जिताने में पूरी टीम का हाथ होता है। मैं मानता हूं कि आज मैंने भले अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा की भी गेंदबाजी मेरे साथ इंक्लूड ना होती तो शायद हम ये मुकाबला जीत ही नहीं पाते। हम तो पहले ही सोच चुके थे कि हमने बहुत कम स्कोर बनाया है और इस मैदान पर जीतने के लिए कम से कम हमें 200 रन बनाने चाहिए थे, लेकिन जब गेंदबाजी लय पर आई तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जल्दी से जल्दी विकेट चटका सकें, और शायद भगवान ने भी हमारा साथ दिया और हम विकेट लेने में कामयाब रहे। और इस मैच में मिली जीत के बाद अब हम फाइनल में भले जा चुके हैं, लेकिन हमें भूलना यह नहीं चाहिए कि फाइनल में केकेआर की टीम के साथ हमारा सामना होगा, जो हमें ऑलरेडी पहले भी 2 बार इस सीजन में हरा चुकी है। अब अगले मैच में देखा जाएगा, हम अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे, लेकिन आज राजस्थान के खिलाफ ये जीत बस मेरे अकेले की वजह से हमें नहीं मिली है। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान अभिषेक शर्मा भाई का भी है, इसलिए यह अवार्ड मैं उनके साथ साझा करना चाहता हूं। और दोस्तों फिर अपना अवार्ड अभिषेक शर्मा को देकर शाहबाज अहमद ने ये नेक काम किया, जहां आप सभी इन दोनों को देख भी सकते हो। और अब आप सभी की क्या राय है, शाहबाज अहमद ने जो किया वो सही या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।